ये सिरोही का भगवान ऋषभ देव भगवान का मंदिर है, जैन मंदिर है, और 14 जैन मंदिर जो एक लाइन में हैं उनमें ये भी एक मंदिर है जो रणकपुर की तर्ज पर बना हुआ है। इस मंदिर के हम चूंकि ये 4 मंजिला मंदिर है तो हमारी इच्छा रहेगी, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से सिरोही कैसा दिखता है, यहाँ से सिरोही का अतीत कैसा दिखता है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। आज ये 14 जैन मंदिर एक लाइन में है और ये सिरोही के पैलेस के निकट का एरिया है। पीछे सिरणवा की पहाड़ी को भी हम देख सकते हैं। ये बहुत कम मिलता है इस तरह के दृश्य कि एक नींव के साथ या एक लाइन में 14 जैन मंदिर होना एक बहुत बड़ी बात होती है। हम इन अभी जो चूंकि 4 मंजिल के 4 मंजिला ये जैन मंदिर है, ये दूसरी मंजिला है, ठीक है। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप आइए, वैसा प्रणाम आपको। हाँ, भगवान पार्श्वनाथ जी के हम दर्शन करें और परिक्रमा करें, ये दूसरी मंजिल है। और आज हमारी इच्छा है कि हम इस भगवान ऋषभ देव के उस मंदिर के चारों मंजिलों को आपको दिखाएं। और श्री मुनि सुब्रत स्वामी, और ये दूसरी मंजिल पर है, ये श्री विमल नाथ जी, इनको भी हम एक बार ध्यान से देखें। और सब योग मुद्रा में विराजमान है, सब उस अनंत परम पिता से इनका लिंक है, श्री आदिनाथ भगवान। और इस तरह से हमने ये दूसरी मंजिल के इन प्रतिमाओं के दर्शन किए, और इसी कड़ी में हम तीसरी और चौथी मंजिल के भी एक बार आपको दर्शन कराए। लेकिन इसके साथ में हम हाँ बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हैं सिरोही का जो विहंगम नजारा अपने आप में बहुत खास है। इस व्यवस्था को मैनेज करना भी कोई छोटी बात नहीं है, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। ये तीसरी मंजिल, और तीसरी मंजिल, और जब हम चौथी मंजिल देखेंगे, ये श्री सुमति नाथ जी के दर्शन करें। और यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो हमको परमात्मा के ही दर्शन हो सकते हैं। श्री महावीर स्वामी जिनकी जयंती है, और पूरे संसार में, या यूं कहें कि ऐसा कोई जगह नहीं जहां भगवान इन 24 तीर्थंकरों का कहीं कोई जानते नहीं हो। और श्री आदिनाथ भगवान, और श्री आदिनाथ भगवान, ये चौमुखा जी मंदिर का मतलब ही शायद ये रहता होगा कि हम चारों दिशाओं में भगवान विराजमान हैं। और इसी कड़ी में हमने तीसरी मंजिल के बाद चौथी मंजिल को भी हम एक बार देखें तो हमको, लेकिन इस चौथी मंजिल के बाद हम एक चीज पे बड़ा गर्व महसूस करेंगे और उस व्यू को दिखाएंगे जो अपने आप में बहुत गजब का है। हम इस चौथी मंजिल पे भगवान विराजमान हैं, और इनके भी धन्य है सबसे ऊपर चौथी मंजिल पर हम यहां भी एक बार परिक्रमा करें। श्री आदेश्वर पीढ़ी इन व्यवस्थाओं को देखती है। अब बताने की बात यह है कि
सिरोही ये सिरणवा की पहाड़ी है, और अगर हम यहाँ देखें तो अपने आप में यहाँ का नज़ारा बहुत गजब का है। यहाँ से हम पीछे अगर देखें तो महल को देख सकते हैं जो बहुत करीब है, बहुत करीब है। और अगर इन हम तमाम ध्वजाओं को देख रहे हैं, ये बहुत सारे मंदिर हैं जिनकी ध्वजाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ नियमित रूप से पाठ पूजा होती है, और यहाँ पुजारी जी इनको पूरी देखभाल करते हैं, पूरी व्यवस्था को देखते हैं। और यहाँ से मैं एक चीज बता के अपने आप को, ये बहुत गर्व की बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार पूरी सिरोही के उस खूबसूरत नज़ारे को दिखाना चाहता हूँ। दिखाने के बाद ये देखिए, ये हाँ हाँ नहीं ठीक है ठीक है, ये हमको एक बार देखना ही चाहिए। ये 14 मंदिर चूंकि एक लाइन में है, और ये हम आज उस ऊंचाई पे पहुंचे हैं जहाँ से पूरा सिरोही बहुत बहुत खूबसूरती से दिख रहा है। आज हम इस अवसर पर ये जरूर कहेंगे कि सिरोही देवनगरी सिरोही का एक आध्यात्मिक पक्ष है जो गौरवशाली है, और सिरोही को देवनगरी शायद इसीलिए कहा है। मैं इस पूरी सिरोही को आपको दिखाऊंगा, और यहाँ से अगर देखें तो मकानों के बीच में काफ़ी वृक्षारोपण हैं, जो अपने आप में अच्छी बात है। ये सिरोही का महल है, शायद इतना नज़दीक से महल की दीवार को हम दूसरे कहीं के से देख नहीं सकते। और चूंकि भाटी साहब हमारी इस पूरी यात्रा के सहयात्री हैं, लेकिन ये सारी ध्वजाओं को हम एक बार पुनः देखें जो एक लाइन में हैं, और इस देवभूमि को मैं नमन करता हूँ। और एक इस व्यू को देखिए, सब अपने अपने ढंग से जीते हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य ये होता है और होना चाहिए कि हमारा आत्मकल्याण कैसे हो। इस आत्मकल्याण के लिए यहाँ तब किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। और कम से कम एक हम संकल्प ले लें, इस देवदर्शन सीरीज के माध्यम से हम ये अपील भी करते हैं कि हम मंदिरों में अवश्य पहुँचें। हमारा 24 घंटे का जो समय है उसमें से हम भले कितने भी व्यस्त हैं, लेकिन हम दिन की शुरुआत मंदिरों से करें, और दिन का समापन या जब हम सोने को जाते हैं तो वो भी फिर हमारा मंदिरों से हो। हम इस सिरोही के विहंगम नज़ारे के साथ इस यात्रा को, इस वाणी को विराम देते हैं। भाटी साहब, आपको कैसा लगता है सिरोही का ये नज़ारा? तो सच में गजब का है। हाँ, महल बिल्कुल नज़दीक है। और एक बात हमने सुनी थी, एक बार किसी ने कहा था कि महलों से इन मंदिरों के, मंदिरों से महलों तक कुछ सुरंगें हुआ करती थी, और ये 5 विष्णु के मंदिर और ये 14 जैन मंदिर ये उस समकालिक रहे होंगे जब सिरोही की स्थापना हुई थी। और सिरोही को देवनगरी शायद इसीलिए कहा क्योंकि जिस नगरी की स्थापना के साथ मंदिरों की स्थापना का इतिहास जुड़ा रहता है वो सच में देवनगरी होती है। इसी के साथ मैं इस मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और इन सभी देवों को नमन करता हूँ, सभी देवों को, सभी धर्मों के देवों को नमन करते हुए बोलो श्री ऋषभ देव भगवान की जय।